देखिए, सवाल सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं है, सवाल सियासत में देर से आने का भी है। 2022 में यह सवाल एबीपी न्यूज ने प्रियंका गांधी से पूछा था, तब उन्होंने क्या कहा था जरा सुनिए। 10 साल आपको नहीं लगता पीछे रह गई? 10 साल पहले अगर ये गांधी परिवार के सदस्य आ गई होती, संगठन खड़ा भी हो गया होता, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही होती, संभवतः आप सरकार भी बना लेती। 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी, मैं एक मां भी हूं। बिल्कुल गौरव जी, आपके पास आऊंगा। प्रियंका गांधी का 2022 का बयान भी हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि पारिवारिक वजह उन्होंने बताई। हमने जब उनसे पूछा कि 10 साल लेट क्यों पॉलिटिक्स में एंट्री की, ठीक है 22 से अब 24 हो गया, उसके बाद तो एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखी, चुनाव प्रचार प्रियंका करती रही, देश भर में प्रचार किया, और अब आखिर में आकर अभी हर्षवर्धन जी ने भी जो बात कही कि साहब अगर राजनीति करनी है आपको तो उत्तर भारत में रायबरेली में से ही कोई शुरुआत करना चाहेगा उस तरह से देखा जाए। तो आखिरकार गौरव वल्लभ जी, कांग्रेस के भीतर वो प्रियंका गांधी जो बड़ा चेहरा है जी, बड़ी स्टार प्रचारक है, देश भर में प्रचार करती है, उन्हीं को रोकने के लिए एक प्रेशर ग्रुप काम कर रहा है, क्या आपका भी वास्ता पड़ा, क्या आपने भी देखा उस स्थिति को? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस पार्टी में अगर आप में योग्यता है, लोगों से आपका सीधा जुड़ाव है, आप लोगों से संपर्क करके राजनीति, जमीन की राजनीति करना चाहते हो, तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो अनफिट आदमी है, ही इज नॉट सुटेबल, वो सुटेबल नहीं है कांग्रेस की राजनीति के लिए। अगर आपके चाहने वाले देश में है, अगर आपका व्यक्तित्व बड़ा है, अगर आपके लेख अखबारों में छपते हैं, आपके बयान अखबारों में छपते हैं, तो कांग्रेस पार्टी सोचेगी इसको साइडलाइन करो, और यही कांग्रेस की परंपरा है। मेरे को भी इसका दंश झेलना पड़ा जी, मेरे को भी इसका इफेक्ट मेरे पे भी आया, क्योंकि लोगों ने मेरे को जो प्यार दिया, मेरे पे एतबार किया, तो मेरे को साइडलाइन करना चालू किया। तो वो के वो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ मैं प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी नहीं, कांग्रेस पार्टी में अगर आप योग्य हो तो कांग्रेस पार्टी आपको साइडलाइन करेगी। और 3 खूबियां है, डिप्लोमा इन चाटुकारिता, मास्टर्स इन वंशवाद, एंड PhD इन बिकमिंग ए PA ऑफ ए सीनियर मिनिस्टर। ये 3 चीजें, डिप्लोमा हो या मास्टर्स हो वंशवाद का, या PhD की भी हो आपने PA बनने की, तो आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बन सकते हो, ध्यान रखना। जी गौरव जी, मैं आपको रोकूंगा, एक क्विक रिएक्शन है, इनमें से एक भी टिक नहीं हुआ जी, तो आप नहीं बन। ये आपने बड़ी बात बताई, नई बात बता रहे हैं आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी लगातार बने हुए, हर्षवर्धन जी, गौरव जी को आपने सुना, लेकिन एक सवाल मेरा है, बड़ा क्विक रिएक्शन चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। प्रियंका गांधी को मैंने इस चुनाव में भी देखा, रायबरेली में जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, छोटी छोटी सभाएं, दो दो ढाई ढाई सौ लोगों की सभाएं, 44 डिग्री टेम्परेचर में जैसी जगह पर उन्होंने रोड शो किया, वो मेहनत करती हुई दिखी, और भाई के साथ वो केमिस्ट्री, वो प्यार, वो भी दिखा, वो मेहनत भी उनकी दिखी। तो आखिरकार ये बड़ा सवाल उठता है कि विरोधाभास भी लगता है कई बार, प्रियंका और राहुल की अच्छी केमिस्ट्री दिखती है, मंच पर भी दिखती है, तो क्या संगठन के भीतर की ये वजह है जो गौरव वल्लभ जी बता रहे हैं या प्रमोद कृष्णम जी बता गए, क्लियरिटी क्यों नहीं? नहीं देखिए, एक तो ये कि गौरव वल्लभ जी तो वहां बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और गौरव वल्लभ जी को तो पार्टी ने दो दो राज्यों से मेरे ख्याल से चुनाव लड़ाया था, कांग्रेस ने कोई अवसर नहीं दिया था गौरव जी को, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रियंका निश्चित तौर पर रायबरेली या अमेठी में ही रहना चाहेंगी। प्रियंका जब चुनाव प्रचार कर रही थी राहुल गांधी के लिए, तब भी ये कहा कि मैं यहां हमेशा उपलब्ध रहूंगी, राहुल जी तो रहेंगे ही रहेंगे, मैं भी उपलब्ध रहूंगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ, और बार बार लोग ये कह भी रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग तो जड़ा इमोशनल मुद्दों पर कर देते हैं, मतलब एक तरह से नासमझ है मुद्दों पर, वो दक्षिण भारत के लोग करते हैं। अब वो दक्षिण भारत में पहुंचते हैं तो कह रहे हैं कि आपको मलयालम की बजाय हिंदी बोलनी पड़ेगी, इडली डोसा नहीं खाने देंगे। तो राहुल गांधी एक डिस्ट्रक्टिव एजेंडा के साथ काम करते हैं, अराजकतावादी राजनीति करते हैं, उसमें प्रियंका थोड़ी सेंसिबल नजर आती हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हो जिनको लगता हो कि अगर राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है तो प्रियंका को पीछे रखना होगा। ठीक है हर्षवर्धन जी, आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। गौरव वल्लभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं।